पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तुमको सुना तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन आइडल के मंच पे। सर मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आगे भी आप कुछ बोलेंगे, लेकिन चलो खैर इतना भी। जावेद साहब आज यहाँ पर आपके आइकॉनिक गाने तो हमारे सारे टॉप 8 कंटेस्टेंट्स गाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उन गानों के पीछे जो अफसाने हैं वो हम सब यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ज्यादातर गानों के पीछे तो ये है। आप इन्हें अफसाना कहिए, कहानी कहिए, जो भी कहिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर 14 फिल्मफेयर 5 नेशनल अवार्ड जीतने वाले, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित शान ए सिनेमा जादुई अख्तर जावेद अख्तर। Presenting India ka national crush, Obom Tango. O chehra hai ya chand khila hai, zulf ghane re sham hai kya, saagar jaisi aankhon wali, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सिलसिला पहला फिल्म है ना आपका जी, इसमें ये जो गाना है ये कहाँ आ गए? ये गाना लिखने के लिए आपको यश जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो आपने पहले तो मना कर दिया था, फिर बाद में आपने आपको उन्होंने किस तरह से मनाया? क्या है उस जमाने में, ये बात है मेरे ख्याल से 81-80 की, एक दो साल पहले पोइट्री तो लिखना शुरू कर दी थी, लेकिन सिर्फ 3-4 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता था। मैं जानता हूँ यश जी को, चूँकि पोइट्री का सेंस था और मैंने उनके साथ बहुत फिल्में की हैं, तो उन्हें सुनाता था यश जी को और पैम जी को। तो एक दिन सुबह मालूम हुआ कि यश जी मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैं पूछा कैसे यश जी, कहले भाई एक काम है मुझे आपसे कि आप जो है मेरी आने वाली जो पिक्चर है उसमें आप गाना लिख दीजिए। मैंने कहा यश जी मैं तो अपनी पोइट्री छपवाता सकती हूँ, आप मुझसे गाना क्या लिखवा रहे? तो यश जी ने कहा कि नहीं भाई, किस्सा यह है कि मेरी फिल्म का जो हीरो है वो शायर है, तो मैं चाहता हूँ कि पोएट ही लिखे उसे। मैंने पीछा छुड़ाने के लिए बिल्कुल इलॉजिकल शर्तें लगा दी। हाईएस्ट सॉन्ग राइटर कितना लेता है? पहले इतना था। मैंने कहा मुझे मैं उससे दोगुना चाहिए। उनका ठीक है कर देंगे। अच्छा मुझे कितने गाने? 3 गाने, 3। वो पैसा आप मुझे आज पहले भेज दीजिए, फिर मैं उनका भेज देता हूँ। तो अब कोई तरकीब ही नहीं बची कि निकलने की, उल्टी सीधी शर्तें भी मान ली। तो अगले दिन मैं गया और पहली दफ़ा जिंदगी मेरी मुलाकात शिव जी और हरी जी से हुई, दोनों मतलब जॉइंट्स ऑफ म्यूजिक, एक संतूर और दूसरे बांसुरी के। तो वहाँ पर मैंने वो ट्यून सुनी और वो मैंने गाना लिखा। तो अब यहाँ पर हिंदुस्तान के तो टॉप सिंगर्स अगर बैठे हुए हैं
तो क्यों ना मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं? क्या बात है, मेरा पहला गाना था। दिल की बात, आज आप सुना दीजिए। हाँ नहीं नहीं अभी करेंगे, अभी तो जस्ट रिहर्सल कर रहे हैं। ये सुर है ना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल, निगाह में है, निगाहों नहीं एक निगाह, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, निगाह निगाह। जावेद साहब एक बात बताना चाहूंगा, आज पहली बार जजेस को भी थोड़ा डरा हुआ देख रहा हूँ, वरना अभी नहीं होता ये। मैं सचमुच इतना भयानक लगता हूँ? मैं बहुत अपने लिरिक्स को ऊपर नीचे कर देती हूँ, इसलिए आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। हाँ मेरा भी, मेरा भी। रेडी रेडी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, खुलती हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ठीक किया सर? नहीं मैंने अगले राउंड में भेज रहा हूँ। हम मुंबई आ रहे हैं। मैं ये गाना अपनी दोनों माओं को डेडिकेट करना चाहता हूँ, एक जिसने मुझे जन्म दिया और जिसने मुझे पाला। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी रहूं, खुद सिखा तेरी याद साथ है, बस यार
एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।